है फ्राइडे नाइट और हम लोग निकल चुके हैं डिनर के लिए। ऐसे ही अचानक से प्लान बन गया, कुछ और प्लान में था कि घर पे ही पराठा और सब्जी बनाऊंगी, बट फिर बस कंटाला आ गया कुछ करने का, और फिर सोचा कि चलो बाहर निकलते हैं थोड़ा सा घूम के आते हैं। बट वही कि मुंबई का ट्रैफिक शुरू हो गया है अभी से। अरे लेंस कट गया, मेरे को इधर आने का था। आ गए हैं अभी हम लोग बीकानेर वाला में डिनर के लिए। अभी देखते हैं नया आउटलेट खुला है तो कैसा है, क्या खाएगा। पाव भाजी। पाव भाजी। एक तो वेज मोमोज का, तो वेज मंचूरियन में तो कई है। ये देखिए आर्यन के एक्सप्रेशन, कब से उसको इधर का पाव भाजी खाना था। कैसा है चख के बताओ। गरम गरम गरम, ठीक है, तीखा है। वो रेस्टोरेंट, ये आ गया हमारा दही पापड़ी चाट। कैसा है? बहुत ही बढ़िया। ये मेरा पाव भाजी आ गया। पाव भाजी एक ऐसी चीज है जो हर एक लेडीज को पसंद आएगी। काफी टाइम से हम लोगों ने बाहर का पाव भाजी नहीं खाया था। बहुत ही अच्छा, और बीकानेर का पाव भाजी वैसे भी फेमस है। अभी आ गया है आर्यन के लिए मोमोज, क्योंकि ये मोमो लवर है। मुझे उतना नहीं पसंद है बट इसको पसंद है। देखते हैं अभी इसका टेस्ट कैसा है। बीकानेर वाला का मुंबई में बहुत सारी जगह पे आउटलेट्स है, तो हम पहले वाशी में गए थे नवी मुंबई में, और अभी यहाँ पर आए हैं। डेजर्ट टाइम चल रहा है अभी हमारा। बिस्कुट मिक्स पसंद नहीं है तो वो नहीं खा रहा है, और मैंने लिया है चमचम। लेट्स ट्राई। Thank you.
वाला जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाय फ्रेंड्स, तो कल का जो है वो मैं वापस से शुरू कर रही हूँ वीडियो। आप लोगों ने जो देखा वो था फ्राइडे नाइट का, जो कि हम गए थे बाहर डिनर के लिए। और अभी हुआ है सैटरडे का आफ्टरनून, 1:48 हुआ है, 1:30 बजने के अराउंड है, और निकल रहे हैं हम लोग। एक दो जगह पे जाना है घर के काम के लिए, तो वो जाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे मॉल में, क्योंकि आज का हमारा बुक है मूवी टिकट। और कौन सा मूवी देखने जा रहे हैं वो आपको शायद आप गेस करोगे तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि एक अच्छा मूवी आया है राजश्री प्रोडक्शन का काफी सालों बाद, और दैट टू विथ वेरी 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 गुड कास्ट। तो अमिताभ जी है, अनुपम खेर जी है, और बाकी भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनको ही देखने के लिए हम लोग सब आज जा रहे हैं। और मैं तो आफ्टर 3 इयर्स थिएटर में जा रही हूँ, तो ये एक्सपीरियंस तो मैं ज़रूर से शूट करने वाली हूँ कि 3 साल के बाद का एक्सपीरियंस कैसा है थिएटर में मूवी देखने का। तो आप लोगों को मैं कैसे भूल सकती थी। चलिए मेरे साथ। इधर बैठा है प्रसाद और बाजू में है आर्यन। आज आर्यन आगे बैठा है क्योंकि उसको थोड़ा सा हेल्प दिख रही है और वॉमिट जैसा भी थोड़ा रह रहा है, तो वही सोचा कि तू आगे बैठ ले। और ये देखिए मुंबई का ट्रैफिक बाहर की साइड पे, हम लोग सर्विस रोड से निकल रहे हैं, पर ये कब खत्म होगा पता नहीं है। कौन सा वाला मिला फिर? ओरियो, ओरियो फ्रैपी। चॉकलेट वाला नहीं था? ओरियो अच्छा है। अच्छा है? या एक अच्छा है। बर्फ है बहुत ज्यादा, ठंडा है। घर पे आ गए अभी हम लोग कुकीज लेके और मूवी देख के। आ गए हैं हम लोग मूवी देख के, तो अभी मैं आप लोगों से बात करूंगी कि मूवी कैसा था। मॉल में ज्यादा बात नहीं की क्योंकि जैसे ही शो खत्म हुआ तुरंत ही हमको घर पे आना था, कुछ काम था इमरजेंसी में, तो उसके लिए हम सीधा घर पे आ गए और वो सब काम निपट गया है। तो अभी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि रिव्यू, तो ऊंचाई का रिव्यू तो आप सबको अब तक पता चल ही गया होगा, और उसके बाद भी एक और मूवी रिलीज हो गई है। पर मुझे ऊंचाई क्यों पसंद आई, क्योंकि एक तो अच्छे वाले डायरेक्टर है और साथ ही अच्छे वाले एक्टर्स है, तो जब अच्छे डायरेक्टर और अच्छे एक्टर्स मिल जाते हैं तो फिर इस तरह की मूवीज ही आती है। और राजश्री प्रोडक्शन का तो हम सबको पता है, सालों से उनकी जो भी मूवीज रही है वो सब फैमिली ओरिएंटेड रही है, संस्कार जो है हमारे वो सारी चीजों को ही उनकी मूवीज एक्सप्लेन करती है, और हमारी डे टू डे लाइफ में भी वो हम रिलेट कर पाते हैं। और आज की जिंदगी में जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरत है एक इंस्पिरेशन की, एक अच्छी सोच की, एक अच्छी चीज दिखाने की लोगों को, क्योंकि लोगों को सारी चीजें पता होती है, बट स्टिल अगर आप इस तरह की फिल्में लेके आते हैं तो लोगों में जो अपने अंदर कुछ छुपा होता है,
कुछ अचीव करने का जज्बा, या तो फिर कहीं पे आप अगर रुक गए हो तो आप वहां से आगे कैसे बढ़ो, वो भी ये मूवी में दिखाया है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक्टिंग की तो क्या कहने ही, अमिताभ जी, अनुपम, बोमन ईरानी, नीना जी, सारिका जी, सारे एक जमाने के लेजेंड्स हैं और इनका तो अभी बोलना ही क्या, ये लोग सब बहुत ही अच्छे हैं अपनी एक्टिंग में और बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने ये वाली मूवी जो है वो बनाई है। तो मुझे तो ज्यादातर इस तरह की ही फिल्में पसंद आती है। तो मैं तो इतना ही बोलूंगी कि ऊंचाई जो है वो एक राजश्री प्रोडक्शन की एक और उनके लिस्ट में शामिल हुई की हुई एक अच्छी वाली मूवी है, जो कि फैमिली के साथ हम देख सकते हैं, बच्चों के साथ देख सकते हैं, पेरेंट्स को तो दिखाना ही बनता है। तो बस हम लोग भी वो वाली मूवी देख के आए हैं और अभी हमारा कुछ और प्लान नहीं है, अभी जो भी प्लान बनेगा वो है नेक्स्ट वीकेंड का। तो आज का जो वीडियो है वो मैं इधर ही खत्म करने जा रही हूँ ताकि मैं नया वीडियो शुरू कर पाऊँ। तो होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो मैंने दो दिन से शूट किया है, फ्राइडे एंड सैटरडे का, तो हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आए। फ्राइडे का मैंने शूट किया था बीकानेर वाला का और फिर हम लोग गए मॉल में। तो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिए और मेरी चैनल्स में आने के लिए, मुझे देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।